तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ तमाम सभी छात्र छात्राओं के लिए, जो छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटर हिस्ट्री आने की इतिहास की बोर्ड परीक्षा 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में देंगे, उन सभी तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो है यहाँ पर मैं हिस्ट्री का जो है टॉप मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आ चुका हूँ। ये जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो है आप लोग को पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं 110% में यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि इसमें से जो है आप लोग को काफी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको जो है खुद ब खुद जो यहाँ पर विश्वास हो जाएंगे कि ये जो है वायरल क्वेश्चन है या नहीं है, ये VVI है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आप कम से कम जो है 8-10 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको खुद ब खुद जो है यहाँ पर विश्वास हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चलिए फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है। तो इससे पहले जो है आप लोग से निवेदन है कि अभी तक जो है लाइक नहीं की तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग जो है देख सकेंगे। तो यहाँ पर जो है चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो वायरल क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये जो है कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये जो है मोहन जोदड़ो से जो है प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दो नंबर वायरल क्वेश्चन है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये जो है यहाँ पर कांस्य युग की जो है यहाँ पर सभ्यता है, तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन कहाँ स्थित है, कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन जो है यहाँ पर कहाँ स्थित है, तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर फोर नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को लोहा का जो है यहाँ पर ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर फाइव नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो था यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसका राइट आंसर जो है ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है छः नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक किस वंश का शासक था। तो ये जो है यहाँ पर मौर्य वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर सात नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। तो ये जो है यहाँ पर अशोक शासक को जो है यहाँ पर प्रियदर्शी कहा गया। तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आठ नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की। तो ये जो है यहाँ पर हरि सेन ने की। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नौ नंबर क्वेश्चन है, गंगापुत्र किसे कहा जाता था, गंगापुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगापुत्र जो कहा जाता था भीष्म को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। अगर आप लोग को यहाँ पर 50% जो है अगर आप लोग का तैयारी है तो यहाँ पर जो है 100% जो है यहाँ पर आप लोग को समझिए कि यहाँ पर तैयारी है, क्योंकि जो है यहाँ पर 2021 में जो है यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ पर दुगुनी कर दी गई है। तो आप लोग को जो है यहाँ पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली, महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली। तो महाभारत की लड़ाई जो है यहाँ पर 18 दिन चली। तो इसका राइट आंसर बी सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा था, बादशाहनामा किसने लिखा था। तो बादशाहनामा जो लिखा था यहाँ पर कौन लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो है लिखा था। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 नंबर जो है वायरल क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था यहाँ पर बहादुर शाह जफर था। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था यहाँ पर 1526 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था,
विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक जो था यहाँ पर कौन था? तो ये जो था कृष्णदेव राय था। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हरिहर एवं बूका किस वंश के थे? हरिहर एवं बूका किस वंश के थे? तो ये जो थे किस वंश के थे? तो इसका ये जो है संगम वंश के थे। तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर वायरल क्वेश्चन है। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये जो था यहाँ पर निकालो कोंटी था। तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर वायरल 19 नंबर क्वेश्चन है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये जो है अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी में किसका जन्म स्थान था? तो ये जो है नानक का था। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर वायरल क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो ये जो किया था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ये जो है कबीर का है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएंगे? तो ये सही है। चलिए यहाँ पर 23 नंबर वायरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ताब उर रहेला में किसकी यात्रा जो है वृत्तांत है? तो ये जो है यहाँ पर इबन बतूता का है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएंगे? तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर। अलबुरुनी किसके साथ जो है भारत आया था? अलबुरुनी किसके साथ जो है भारत आया था? तो ये जो है यहाँ पर महमूद गजनबी के साथ जो है भारत आया था। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वायरल हुए यहाँ पर 25 नंबर। इबन बतूता किस देश का यात्री था? इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो ये जो था यहाँ पर मोरक्को देश का था। तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 26 नंबर जो है। हुमायूनम्मा किसने लिखा था? हुमायूनम्मा किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था यहाँ पर किसने? तो गुलाबंदन बेगम ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर सी सही है। हुमायूनम्मा जो है ये जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ? तो ये जो हुआ था 1831 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 नंबर क्वेश्चन है। संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये जो थे यहाँ पर सिधु कन्हू थे। तो इसका राइट आंसर ये सही है। संस्थाल विद्रोह का जो नेता थे सिधु कन्हू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर वायरल क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो ये जो लागू किया था यहाँ पर 1793 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये जो था यहाँ पर ये जो है चिकित्सक था। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया? तो ये जो किया गया था 1875 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है। लक्ष्मी बाई का जन्म कहाँ हुआ? लक्ष्मी बाई का जन्म कहाँ हुआ? तो काशी में हुआ। तो इसका राइट आंसर बी सही है। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किया था यहाँ पर जो है पीर अली ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो था यहाँ पर कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये जो कब आया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 35 का जो है मई 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है। गांधी चंपारण कब आ गए? गांधी चंपारण कब गए? तो ये गांधी चंपारण जो है कब गए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 1917 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन। खेरा किस राज्य में स्थित है? खेरा किस राज्य में स्थित है? तो खेरा जो है यहाँ पर ये जो है आप लोग को हो जाएंगे गुजरात में जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी यहाँ पर
1927 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस की, सर की उपाधि किसने वापस की, तो ये जो की थी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी यहाँ पर 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन जो भारत जो आया था 1946 में। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर 1885 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 47 का जो है आप लोग को माउंट नेबल योजना से है। तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 48 नंबर वायरल क्वेश्चन, संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये जो थे यहाँ पर कौन थे, तो ये जो थे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो भारत जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर 1950 हो, यहाँ पर है नहीं दिया गया है, 1950 होंगे, 1950 में जो है भारत जो है गणतंत्र बना। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो आप सभी को पता होंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। तो आप लोग से जो है यहाँ पर हिस्ट्री में जो है आप लोग को कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग से जो है यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछे जाएंगे। अगर आप लोग जो है 50% जो है अगर आप लोग को तैयारी है, तो आप लोग समझिए कि आपको पूरा कंप्लीट है, क्योंकि जो है आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 50 का ही सही सही जवाब जो है आप लोग को वो एमआर शीट में जो है आप लोग को फिलअप करना है। इससे पहले मैं 3 सेट जो है अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उस सेट को नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, इसी वीडियो के जो है आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से दबाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।